हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल हाफ पिक्स। तो सुबह के 6 बजे है आज। बहुत दिन से वीडियो डाला नहीं था, इसलिए आज सोचा कि चलो आज व्लॉग बना ही लेते हैं। एंड अभी तो मैं 5 बजे उठ गया था, नमाज वमाज पढ़ा, तो उसके बाद सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी तो हम आज शायद हमारी फ़्लाइट होगी शाम को, लेकिन आज दिन भर ऐसे ही इसलिए व्लॉग नहीं डाला मैंने इतने दिन से, क्योंकि मैं एक ही जगह बैठा हुआ हूँ। मैं मैंगलोर में तब से ही हूँ, तो मैं इधर से कहीं पे भी नहीं गया। बीच में एक फ़्लाइट लगी थी, जो कि आपको मैंने मदुरई का व्लॉग दिखाया था, तो सेम वैसा ही था, तो कोई पॉइंट नहीं बनता था फिर से कोई व्लॉग डालने का। आज देखते हैं, थोड़ा सा टाइम बाद कुछ प्लान बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से सेम ही व्लॉग होगा। लेकिन लेकिन एक और चीज़ है कि लाइक आज मैं अपना कैमरा पूरा टाइम ऑन रखूँगा टाइम लैप्स मोड पे फिर से। पहले भी एक वीडियो डाला था मैंने वो लेओर का, बट ये आज फिर से मैं टाइम लैप्स वीडियो ऑन करूँगा। आपको दिखाते हैं कैसी बोरिंग लाइफ होती है इधर, अगर आप कहीं डेपुटेशन या कहीं लेओर पे आते हो, या कभी सिचुएशन डिफरेंट होती है कि मतलब कहीं पे आप कहीं आपके साथ कोई और फ्रेंड्स है तो आप बहुत एंजॉय करते हो। कभी आपको अपना लेवर का पूरा एक स्टोरी बना के दिखाते हैं, तो स्टे ट्यून्ड। भूल गया था मैं, तो क्योंकि आज फ्राइडे है और मैं मैंगलोर में हूँ, तो देर इज अ मॉस्क इन मैंगलोर जो कि बहुत पुरानी मस्जिद है, और अंदर से तो बिल्कुल भी मतलब उन्होंने उसका कुछ भी इंटीरियर चेंज नहीं किया हुआ है। वो वैसी है जैसे मतलब कुछ 200 या 300 साल पुरानी है मस्जिद। दे हैव नॉट रेनोवेटेड इट फ्रॉम इनसाइड, दो जस्ट पेंट करा हुआ है, बट देर आर नो चेंजेस इनसाइड व्हाट दे हैव मेड। बट बाहर से हाँ, ऊपर बाहर का जो भी एक्सटीरियर है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, बट अंदर से जैसी वो पहले बनाई हुई थी वैसे ही उसको रखा है, एंड आई लव्ड इट। तो If I got lucky, I'll try to go early today there, तो आपको दिखाएंगे। And I feel so, I'm so connected to these places, because as you know, श्रीनगर we have मतलब बहुत सारी दरगाह है, और वहाँ पर भी एक दरगाह है, तो मैं पहले भी मदुरई में भी आपको एक दरगाह दिखाने लेके गया था, but it is like very amazing और बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है, कि बहुत एक वैसी फीलिंग आ रही है कि आप एक प्योरिटी में वापस चले गए हो। आई यूज़ टू रिमेंबर मतलब श्रीनगर में जहाँ पे हम रहते थे, तो वहाँ पे बहुत सारी पुरानी मस्जिद थी, एंड व्हेन वी यूज़ टू गो देयर बहुत सुकून मिलता था। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक मस्जिद है, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाने का, एंड आई विल शो यू दैट टुडे। आई विल गो अ लिटिल अर्लियर सो दैट हमको अच्छे से मस्जिद का पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर दिखा सकूँ आप। तो स्टे कनेक्टेड गाइस। तो व्हेन आई एनकोड इट वाज 400 इयर्स ओल्ड मॉस्क। तो गाइस एक छोटे से वॉक के लिए चलते हैं,
बैठे बैठे तो अभी बोर हो जाऊंगा, लेकिन चलो ठीक है, सोचा एक वॉक के लिए चलते हैं। और लेट्स हैव अ थोड़ा 20 मिनट का एक वॉक एंड देन ब्रेकफास्ट करते हैं वहीं से, एंड देन विल कम बैक टू द रूम। क्राउडेड है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि अपने जॉब जो है बिजनेस को चलाने के लिए चलते हैं। लाइफ इज सो फास्ट है। ये मैंगलोर का बस स्टैंड है। ब्रेकफास्ट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट में ये मेरी फेवरेट चीज़ है। और उपमा पूरी और आलू की सब्जी, दीज आर चिकन नगेट्स। तो मैं अभी ये सारी चीज़ें अवॉइड कर रखा हूँ, लेकिन कभी कभी खाना। सो दिस इज़ ओशन पर्ल इन मैंगलोर। और यहाँ का रेस्टोरेंट और स्टाफ द वेरी कर्टियस एंड आई लव दिस प्लेस। तो ये ले लिया है अभी हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। लेट्स हैव इट। ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा और एक चाय पी के फिर हम रूम पे जाते हैं फिर से। तो गाइस, जैसा मैंने बोला था कि सुबह आई विल कीप माई कैमरा ऑन, बट कैमरा ऑन पे नहीं रख सका मैं, बट क्योंकि फ़ोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, चार्ज हो नहीं रहा था, इसलिए आई कुड नॉट कीप माई फोन ऑन कैमरा ऑन। तो अभी बज रहे हैं 10 एंड 10 लाइक सवा 10 हो रहे हैं। तो वी विल लीव फॉर द मस्जिद, मस्जिद के लिए अभी निकलते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसी लगी। स्टे ट्यून्ड। बहुत सुकून मिलता है मुझे वहाँ पे। हाँ, तो अब मैं बहुत लाइक 2-3 मैक्सिमम 5 दिन यहाँ मैंगलोर हूँ, उसके बाद बैंगलोर वापस चला जाऊँगा। सी यू गाइस।
ये मस्जिद जो है वो मार्केट के अंदर है, आई डिड नॉट न्यू कि ये कितनी पुरानी मस्जिद है, बट लेटर ऑन जो बैनर इधर लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि कितनी पुरानी मस्जिद है। तो हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे दरगाह है और लेफ्ट साइड में एक और दरगाह है। तो मैं पहले वुज़ू करने गया और ये पीछे वाली एंट्रेंस है मस्जिद की, और यहाँ पे थोड़ा छोटा सा तालाब है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा वुज़ू खाना है जो कि बहुत प्यारा लगता है। ये मेन जो उधर बुज़ुर्ग है उनका नाम भी लास्ट में आपको दिखा दूँगा। तो ये मस्जिद का मेन पार्ट है कि जो इन्होंने मॉडिफाई नहीं किया हुआ है, तो ये वैसे ही रखा है उन्होंने जैसे ये बनी हुई थी। तो अभी ये वाला जो पार्ट है तो ये मॉडिफाइड है, तो ये नॉर्मल जो अभी की मस्जिद जैसे बनती है वैसी है, बस एक हॉल जैसा है। तो ये एंट्रेंस है जो मेन एंट्रेंस है जो पुरानी वाली मस्जिद की, वो एंट्रेंस है। और यहाँ से एंटर करते हैं हम, और ये यहाँ पे मुसल्ला है और मिंबर बना हुआ है, और ये मिंबर भी पुराना है। और यहाँ पे एक राइट साइड में यहाँ पे छोटा सा जो तालाब बना हुआ है, ये इनकी जो विंडोज़ है तो वहाँ से इंसान बाहर भी निकल सकता है, तो बहुत बड़ी विंडोज़ है। तो ये जो मेंबर है इसको भी बहुत बहुत पुराना है और ये बहुत ऊंचा है, तो पूरी मस्जिद को कवर करता है ये मेंबर, जो हाइट इसकी है वो पूरी मस्जिद की हाइट है। इस मस्जिद का नाम जीनत बख्श मस्जिद बंदर है। ये बंदर एरिया में, जो मैंगलोर का बंदर एरिया है वहाँ पे लोकेटेड है, और 645 AD में बनाई गई थी टीपू सुल्तान ने। मुझे मस्जिद में फिर बाहर जाते समय वीलॉग कंप्लीट करने का मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो फिर मैं बाय वॉक फिर से होटल पहुंच गया। तो रास्ते में देयर वर सम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड दिस वाज द वॉच टावर विच आई फाउंड इन द वे। और ये सिटी सेंटर मॉल है मैंगलोर का, तो अंदर तो नहीं जा पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जॉस्टेड था। सो जस्ट एक पिक्चर ले लिया था। और इसके बिल्कुल ठीक सामने ये होटल है, बहुत प्यारा लगता है ये होटल, बहुत ट्रेडिशनल वे में कंस्ट्रक्ट किया है इसको। और फिर वी लाइक आई वेंट टू द होटल एंड हैड लंच एंड रिलैक्स देयर। सो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए। अभी तो 6 बजे है, बट मैं पहले आ गया था वापस, बट मेरा फ़ोन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए फ़ोन का कैमरा भी ऑन नहीं रख पाया और व्लॉगिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाया। थोड़ा सा इसको फिक्स करना पड़ेगा, बट ये व्लॉग अभी कर देते हैं एंड, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।